अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। ये मदरसा है, मदरसा फातमत ज़हरा अल बनात। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या आप अपने प्यारों के लिए अमल करवाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे वालों को पुकारें, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और लब्बैक बोला जाएगा इंशाल्लाह। जब भी कोई आपका प्यारा रूठ जाता है, नाराज़ होता है, दिल बेचैन होता है तो ये अमल आप ज़रूर करें। मोहब्बत के अमल बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आजकल कमी मोहब्बत की है, प्यार की है। आपसे रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म हो गई, आपसे रिश्तों में चाहत ख़त्म हो गई, इन चीज़ों की कमी है। बहुत से ऐसे मेरे पास बहन भाई आए जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ तक कि ख़ुदकशी करने के लिए भी तैयार थे। मैंने पूरी कोशिश की उन्हें समझाने की और उनको गाइड करने की। तो इंशाल्लाह सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने वालों को पसंद फरमाता है। जब भी किसी से बात करें, मोहब्बत से करें, नरमी से करें। जब भी किसी से मुलाकात करें, जब उसके पास जाएं तो अपने अखलाक से उसे मुतासिर करें, ठीक है। जब आपका अखलाक बहुत प्यारा होगा ना तो फिर लोग भी आपसे दूर नहीं होंगे, आपकी मोहब्बत में हमेशा ही वो बेचैन और बेकरार रहेंगे। इखलाक से बढ़ के इंसान के पास कोई ताकत नहीं है जो इंसान को बदल दे, जो सामने वाले इंसान को बदल दे, जो के आसपास के रिश्ते, आसपास की चीज़ों को बदल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा इखलाक था। आप भी इखलाक के जो है अपना बेहतर करें ताकि जब आपका इखलाक बेहतर होगा ना तो आपसे खुद ब खुद ही लोग जो उनसे हैं मुसख़र होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि दिल छोटा ना किया करें। अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, मोहब्बतों की कमी है तो ये अमल आपके लिए है, ये अमल काफ़ी है। किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना या पागल करने का मुजरब अमल है ये। दुनिया में आपका प्यारा किसी भी कोने में, उसको भी हाजिर करने का अमल है, ठीक है। तो आप ये अमल एक दफ़ा ज़रूर कर, किसी को मनाने के लिए, रिश्तों के लिए भी आप ये कर सकते हैं। और अगर रिश्ता ना हो तो ये बस एक नक्श आप तैयार करें, अपनी बाजू पे बांध लें। अब रिश्ते के लिए फला इबन फला, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम आला हो, जिससे आप रिश्ता कर रहे हैं या रिश्ता के लिए जाना है या बात पक्की होनी है तो फिर उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, ठीक है। ये आपने, अगर वालदा का नाम ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, उसका नाम तो पता है ना। तो बाकी दिलों के भेद अल्लाह पाक जानते हैं आप किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आपने नक्श जोन सा है रिश्तों के लिए भी, और जो आपने ये बनाकर आपने अपनी सीधी बाजू पर बांधना है, सीधी बाजू पर एक दिन सीधी बाजू पर बांधना है। अगर आपका प्यारा एक दिन में आपसे रब्ता कर लेता है तो फिर इसको पानी में भिगोकर आपने किसी पानी को, जब इसका कलर मार्कल का निकल आए तो फिर आप इसको दीवार पर डाल दें या कहीं पर भी, अल्लाह के नाम के ये हरूफ हैं तो फिर इनका भेद भी ना कीजिएगा, इनको किसी भी ऐसी ऊंची जगह पर रख दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आपका प्यारा दूसरे दिन का अमल बता, तीन दिन का अमल है, दूसरे दिन की बात कर रही हूँ। अब इस नक्श को जो उनसा है रात को अपने तकिए के नीचे रख कर सोजें, बाजू से उतारें, तकिए के नीचे रख कर सोजें, ये अमल आपने ज़रूर करना है। फिर तीसरे दिन आपने ये अपनी बाजू पे बांध लेना है, आपका काम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अमल ये तो आपने बाजू पे बांध लिया, ये मैंने बाजू का नक्श का अमल दिया है। पढ़ाई के लिए आ जाएं, ज़ुकात इसकी कुछ भी नहीं है, कोई इसकी कोई ज़ुकात, कोई मिठाई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। वक्त इसका जो है रात का अमल का, या वदूदू बी हक की, ठीक है, इसका वक्त रात का है, ठीक है। रात को किसी भी टाइम पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। दिन जुम्मतुल मुबारक से शुरू करें, जुमा, हफ्ता और इतवार।
तीन दिन ये अमल अपना पूरा कर लीजिएगा। दुरूद पाक 11 बार पढ़ना है, या वुदू जब पढ़ेंगे ना, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नमाज की पाबंदी है, नमाज ना छोड़िएगा, ठीक है। अमल की तादाद जो उनसी है 330 बार है, 330 बार, कम ना हो ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब आपने यावदुदू का अमल पढ़ने के लिए मैं आपको समझाने लगी हूँ। ये आपने नक्श तैयार करके बाजू पे बांधा, पहले दिन का अमल ये है, ठीक है। तीन दिन ऐसे ही अमल करना है, लेकिन नक्श का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देना है। जब दूसरा दिन आए तो तकिए के नीचे रखना होता है इसे, ठीक है। तो अब आपने पढ़ना कैसे है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की आपको समझ आ गई 11 बार, और यावदुदू बिहक्की, ठीक है। फिर से यावदुदू बिहक्की, जब आप 33 मरतबा पढ़ लेंगे ना, यावदुदू बिहक्की, यावदुदू बिहक्की, फिर आपने 33 से 34 मरतबा जब आपने ये पढ़ना देखें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया है आपने पहले, ठीक है। तो अब आपने पढ़ना है यावदुदू बिहक्की 34 मरतबा, 34वें मरतबा पर आपने ये लफ्ज अदा करने हैं। फिर आपने अपना नाम बोलना है, फिर अपने प्यारे का नाम बोलना है, फिर से आपने 33 मरतबा पढ़ना है, फिर से अपना नाम, अपने प्यारे का नाम, फिर से 33 मरतबा पढ़ना है, आपने अपना नाम, अपने प्यारे का नाम, इस तरह करना है ये अमल, ठीक है। कोई बात नहीं, आखिर में अगर कम अज़ कम 5 मरतबा तो आपने ना ये अमल में नाम अपने प्यारे का ज़रूर लेना है। तसव्वुर कायम कर लें। अब तसव्वुर कैसे कायम करेंगे, पहले तस्वीर को 10 मिनट देखें, तसव्वुर कायम हो जाएगा। आखिरकार आपने अपने प्यारे को तो देखा ही होगा ना, तो उसका तसव्वुर आसान हो जाता है। तो तस्वीर जो सा है आप थोड़ी देर देखें, तसव्वुर कायम हो जाएगा। जब तसव्वुर कायम होगा ना, तो फिर बेशक तस्वीर देखने की भी ज़रूरत नहीं, वो दिल में आ जाएगा। दिल में जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह आपका ये जो अमल है, ये जो नक्श है, दुआ है, जिक्र है, वजीफा है, अमल जो भी आप इसको नाम दें, इस तक पहुंच जाएगा। ये जो आपका प्यारा है ना, ये फलां बिन फलां, ये सुन रहा है आपकी बात, सुन रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो परेशानी हो, 3 दिन ये अमल करें, अमल 3 दिन का ही है। अगर 1 दिन में आपका काम हो जाता है तो फिर आपने 1 दिन ही इस अमल को करना है, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन का ये अमल है, पूरे माह में भी 3 तो दीवार पे डाल दीजिएगा। फिर अगर ये काम दूसरे दिन हो जाता है तब भी आपने दुआ करके ख़त्म कर देना है, ठीक है, अपने अमल को कंप्लीट कर देना है। तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम कर देंगे। तीसरे दिन अमल जब भी आप करें, एक दफ़ा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। एक तो मैं आपका हिसार कर दूंगी, आपके लिए दुआ कर दूंगी, आपके लिए हिसार करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अमल में। तो मुझे जब भी कोई अमल करे ना, मेरे चैनल पर आकर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जिस पर भी आकर, तो आपने मुझसे ज़रूर रब्ता एक दफ़ा कर लेना अमल करने से पहले, ताकि आपकी बहन आपका साथ दे सके। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। कोई बात समझना है ज़रूर पूछें। गलत किस्म के आमिल लोगों से दूर रहें, अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें, अल्लाह के कलाम से ही आपका मसला हल होगा। जादू, जिन्नात, शयातीन, ये मसला आपका हल कर भी दें, लेकिन उससे डबल आपका फिर खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैंने जो चीजें देखी हैं 8 साल में, माशाल्लाह 8 साल हो गए अमलियात को, तो सबसे ज्यादा चीजें मैंने देखी हैं, जो मदरसे में भी लोग आते हैं और जो ऑनलाइन पूछते हैं, सबसे ज्यादा जो चीजें जो आमी लोगों के पास खवातीन आती हैं, खासकर उनके सर का दर्द ही नहीं ठीक होता, उनके उनके जिस्म का दर्द ठीक नहीं होता, भाई लोग हैं उनका कारोबार में दिल नहीं लगता, इस कदर नुकसान आपको ये आमी लोग पहुंचा चुके होते हैं। आप इन लोगों से बचें प्यारे बहन भाइयों। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप हमारे मदरसे में आए, हमसे मदद लें, मैं ये भी कहती हूं कि अल्लाह से मदद मांगे। अगर अल्लाह पाक ने आप मुनासिब समझा आपको मदरसे में अपनी बहन से बात करना, तो मेरी आपसे बात हो जाएगी। अगर अल्लाह पाक ने इस चीज़ को मुनासिब ना समझा, आपकी बात कभी भी मुझसे नहीं होगी प्यारे बहन भाइयों, ठीक है। तो अक्कल जिनके मजबूत हों काम उन्हीं का होता है। इसी के साथ अपनी बहन को इजाजत दें, जज़ाकअल्लाह खैर। कोई बात ना समझ आए 1000 दफा पूछें, ठीक है। ये मदरसा है फातिमा तज़हरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तिखारा या रूहानी मंच के जाना चाहते हैं
या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपनी इस्तखारा भी कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।